नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के मान सिटी सेंटर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, कार की चपेट में आने से 3 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। लगभग 4 वर्षीय बच्ची को पिता झुलसी हालत में छोड़ गया दरबार साहिब। बेसहारों का आसरा वेलफेयर सोसाइटी ने बच्ची को दिया सहारा। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की शब्दावली पर उठाए सवाल। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के मान सिटी सेंटर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक 3 वर्षीय बच्ची की जान चली गई। घटना टीवी टावर के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार कार ने बच्ची को टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची क्वार्टर के बाहर बैठी थी और इसी दौरान कार ने उसे कुचल दिया। इस हादसे से परिवार में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक बच्ची 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और परिवार की लाडली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में लिया। पुलिस ने कार चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। आरंभिक जांच में सामने आया कि कार की रफ्तार काफ़ी तेज थी और चालक का ध्यान सड़क पर नहीं था। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए हैं और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कोई बच्चा खेला था, गाड़ी वाला आया, हाँ। उसको बच्चा ऊपर ही चढ़ा रही है पूरा सर पे उसके। अच्छा जी। उसकी मम्मी काम पे गई थी जी। पापा उसका पिंड गए। अच्छा जी। मर गई उसी समय। अच्छा जी। तो मौके पे पुलिस वगैरह आई है? पुलिस आई थी मौके पे? हाँ, पुलिस आई है, पुलिस अंदर ही है। अच्छा, तो वो जो गाड़ी वाले हैं वो पकड़े गए हैं? गाड़ी वाले पकड़े गए। कितनी उम्र थी? कितनी? 3 साल। 3 साल की। अच्छा, तो तकरीबन कितने बजे हुआ ये बड़ा हादसा? सुबह 10 बजे। कहाँ खेल कहाँ आना था बच्चा? बस यहीं पे खेलना था बच्चा, घर तो हम लोग वहाँ पे रहते हैं पास में। अच्छा, तो खेलने यहीं आते हैं, झूला बनाना। गाड़ी के साथ टकराया था या गाड़ी के नीचे? नहीं, गाड़ी के नीचे पूरा पहिया उसके इस पे आ गया। नहीं, गाड़ी वाले ने देखा नहीं कि बच्चा खेल रहा है कि आराम से आ जाए? पता नहीं गाड़ी वाला देखा कि नहीं, उतने अपने मस्ती में चला रहा था, चला के बच्चे जब ले लिया बस। अच्छा, गाड़ी में कितने जाने थे? 2 जने। अच्छा, तो मौके पे पकड़ लिया था सबने? हाँ जी, गाड़ी तो यहीं पे खड़ी थी, अभी पुलिस वाले लेके गए। अच्छा, पुलिस वाले लेके चले गए। हाँ जी। क्या मांग क्या रखते हो? अभी तो भैया हमको नहीं पता, हम क्या पता, मुझे मेन लोग को पता होगा जान के घर पे। की मामला की ऐसी मरा ना दसो। मामला इथे बच्ची सी 4 साल दी, करीना डॉक्टर चीफ और उम्र 4 साल दी जी। ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਾਊਜ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਊਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਐਸਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦਿਨ ਚੜਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਤ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਗੱਡੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਲਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰ? ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ। ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ? ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਟ ਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਮਾ ਪਿੰਡ। ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਇਆ ਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। जहाँ एक तरफ लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं और रोजाना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेटा या बेटी दे दो, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी जन्मी औलाद को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें गत दिनों एक लगभग 4 वर्ष की बच्ची को उसका पिता दरबार साहिब में छोड़ गया था और 2 दिन तक बच्ची वहाँ लावारिस हालत में घूमती रही, जिसके बाद वहाँ के सेवादारों ने बच्ची को प्रशासन के हवाले कर दिया। प्रशासन ने उस बच्ची को बेसहारों का सहारा आश्रम निया गांव के संचालक बाबा कमलजीत सिंह को सौंप दिया। उक्त बच्ची अपना नाम नवनीत कौर बता रही है और उसने बताया कि उसकी 5 बहनें और 1 भाई है। उसकी माता ने उसके पिता को छोड़कर किसी और के साथ विवाह करवा लिया था। उसने बताया कि वह अपनी माता के पास गई थी और उसकी माता ने उसके सिर व शरीर पर
गर्म दूध डाला जिस कारण वह बच्ची झुलस गई और उसका पिता उसे दरबार साहिब में ये कहकर छोड़ गया कि वह यहाँ रुके और उसके लिए वे मरहम लेकर आता है, लेकिन वे वापस नहीं आया। और अब बच्ची अनाथ आश्रम नवा गांव में रह रही है और उसने अपनी पूरी दास्तां हमारी संवाददाता से साझा की। चंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी, जी रूह आए सू दरबार साहब तो, दरबार साहब तो मिली सी सू बड़े ही मंदी और पिट गल गई बच्ची की। और उतों के जो सिंह सुरमा सेवादार ने उन्होंने स्पैशल प्रशासन की हेल्प के नाल लैके साढ़े गए बेटी भेजी हुई आश्रम के। हाँ जी, मैं ये नाल बच्ची लै गया सा। ये परिवार चो इस बच्ची के बयान है कि असं पांच भैन भरा वा जिन्हों एक बेटा वा बाकी बेटिया ने। और जिन्हों ये है कि बेटे की पता लगा कि बेटा बेचता हुआ वा और एक बेटी मेरे को, बाकी बेटिया का पता नहीं है। मैं चाहना कि प्रशासन इस चीज़ पर पूरी इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करे जिद ना कि बच्चे के परिवार का पता लग सके बच्चिया कितने गई दूजिया। देखो जी, मैं तो कहते हैं कि हीरे जो हीरा होंगे ना, वो किस किसी को पता नहीं मुल की होंगे। बच्चे बड़े कीमती ने अजकल, बहुत ही मेरे को बड़ी कॉलिंग आती है, बाबा जी सू बेबी चाहिए, सू बच्चा दवा दो, इदा वगैरह लखा करोड़ रुपये लुकी चुकी फिरते हैं। पर यह लखा करोड़ नहीं, ये अरबा तो भी छड़ दो, बहुत कीमती चीज़ा ने। पर लोग समझन ता वा, कोई नहीं समझता इन्हों। जो देख सकते हो कि निकी जी नन्नी रूह में किदा दरबार साहब छड़ के चल गए। शुकराना कि दरबार साहब वाले प्रशासन ने सेवा की, सड़क पहुँच गई। जो मान लो ना पहुँची तो अच्छा तुम तो पता वीडियो कि पै रही, बच्चे के हालात बेटिया के सेफ ही नहीं है। मैं तो यही कहना कि प्रशासन को प्लीज साढ़े को पहुंचे पहुंचता की धन्यवाद। चलो तुम साड़ी सेवा, शुकराना तुम सू सेवा लाई, पर मैं कहना कि इतने कार्रवाई होनी चाहिए है। बच्ची जी दे बच्ची इंसाफ चाहिए, बच्ची इंसाफ दवाना चाहिए वा कि परिवार को क्यों छ रीजन दस सू। असं बच्ची नहीं देवे साढ़े को रहेगी ये सेवा संभाल, जो भी जितों तक ये बेटी पहुँचना चाहती है अं पहुँचावे वो तो कोशिश करेंगे। पर संगत के संयोग देना, ताे संयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जो बेटी का सुपना वा कि मैं डॉक्टर बनना, वो थोड़े संयोग के नाल उदा नहीं, मैं नहीं कुछ थोड़े साथ ही मैं सब कुछ कर सकता। पंजाब में हो रही उपचुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही है। उन्हें डेरा बाबा नानक का प्रभारी बनाया गया है, जिसमें उन्हें लोगों से काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। और पहले चरण में उनका प्रचार पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण पर प्रचार चल रहा है। तो वहीं उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उनके खिलाफ लिखित में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस तरह गलत शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिमनी चुनाव का प्रचार जरा मैं डेरा बाबा नानक का चार दिया जी, उत्थे असी पहले गेट की जी अपनी सारी कंप्लीट कर ली है कंपेन, हुण असीं दूजे गेट च कर रहे। साढ़े मतलब परसों तक दूजे गेट की सारी कंपेन जिहड़ी आ उह कंप्लीट हो जूगी। उस तों बाद असीं तीजे गेट की करांगे, जिहड़े लास्ट वाले दो दिन है 17-18 तारीख, उदन असीं मतलब जिहड़ा वड्डे लैवल ते तीसरा गेट जिहड़ा कंप्लीट करांगे। और जिन्ना वधिया रिस्पोंस डेरे चों मिलिया, डेरे च साडा सारा क्रिश्चन भाईचारा बहुत वड्डी गिणती दे विच नाल आया। जिन्हें भी डेरे के बड़े बंदे आ, चंगे बंदे आ, ससूक वाले बंदे, एन जी ओ वगैरह सब, वह एक कारण है कि जो मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार है सुखी रंधावा जी, परिवारवाद जोड़ा बहुत हैवी मुद्दा, उत्थे एको मुद्दे इलैक्शन हो रही है कि लोगों ने फिर दोबारा इस परिवार को जोड़ा पिछले 50-55 साल तो कब्जा करके बैठा उस हल्के से, इन्होंने मौका देना कि नवे बंद मौका। ये तो लोगों का बहुत वधिया रिस्पोंस है, कहते जी असं बड़ा लम्मा चिर देख लिया और जोड़ा हैंकड़वाज वाला रवैया सुखी रंधावे का अफसर का तो है ही है। डीसी का कि बोलता, तुम कई जगह वीडियो देखिया, वो एस एस पी का कि बोलता वह भी देखिए, विधानसभा कि बोलता वह भी तुम देखा, पर जोड़ा लोगों का बोलता वो मैं बहुत वो माड़ी गल लगी कि लोगों का उच्चा ने भी बोलना जरा वो ठीक नहीं है।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ 95 ਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਟੀਂਗੜਾ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੰਮਦੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਡੀ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ MLA ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ MP ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੜਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ DC ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ SSB ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਉੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਾਈਟ ਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਕਈ ਕੰਪਲੇਟਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਰਾਈਟ ਨੇ MP ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ MP ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਚੰਡੀਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੁਮਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਕੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ DMD ਸੇ ਪੀੜਿਤ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਉਸਕੀ ਮਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਓਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੋਂ ਸੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਉਸਕੇ ਇਲਾਜ ਕੇ ਲਈ USA ਕੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਤੋ ਡਾਕਟਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨਕੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਯੋਂ ਕਾ ਖਰਚ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਔਰ ਅਬ ਉਸਕਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਫੌਜ ਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਬ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੋਂ ਸੇ ਉਨਕੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਟਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ DMD ਹੈ ਡੁਸ਼ੈਨ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 3000 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਮਟਮਸ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਮਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਏਮਸ ਚੱਲ ਜਾਇਓ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
आर्मी हॉस्पिटल वालों भी बहुत हेल्प मिली क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड नूं उत्थे ही पोस्टिंग देती दिल्ली ताकि दिल्ली रह कर आपां इहदा ट्रीटमेंट दे बारे सारी नॉलेज लै सकन। जदों आपां दिल्ली गए आपां एम्स गए उत्थे सानूं पता लग्गिया कि इहदा जिहड़ा बीमारी है उहदा कोई इलाज नहीं हैगा, इलाज है पर फिर भी आपां उम्मीद नहीं छड्डी। इहदी फिजियोथेरेपी लगातार कराते रहे, एक दिन भी नागा ना करके इहदा हर काम इहदे लई कराया। और कुछ टाइम पहला ही जदों मैनू क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इहदे बारे सर्च करती रही, इहदी नॉलेज लियांदी रही, तो मैनू पता लग्या कि आ बीमारी जिहड़ी है उहदा एक ट्रीटमेंट आया होया है जिहनूं आपां जेनेटिक ट्रीटमेंट आने हैं क्रिस्पर नाइन करके, तो वह वन टाइम ट्रीटमेंट है। जदों मैं डॉक्टर्स नाल कंसर्न किया तो मैडम जिहड़े डॉक्टर गुलाटी हैगे वो एम्स के सब तो वड्डे न्यूरोलॉजिस्ट हैगे, उन्होंने सानू दसिया कि हाँ ये ट्रीटमेंट हैगा बट ये तुहाडे बच्चे च कारगर हैगा कि नहीं ये आपां हुण नहीं कह सकते। उन्होंने मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन लैके इहदा ट्रीटमेंट के बारे पता किया, फिर पता लग्या कि करोना च कोई बच्चा हैगा आ जिहदा ये ट्रीटमेंट हो सकता। बट जदों उन्होंने इहदा पैसा ते खर्चा दसिया तो वह साडी पहुँच तो बहुत बाहर सी, 3.9 मिलियन $US का इहदा खर्चा है। अगर आपां इंडियन करंसी की बात गल करते हाँ तो ये 27 करोड़ के लगभग हैगा आ, ये ट्रीटमेंट का सारा कुल मिला के खर्चा 27 करोड़ हैगा। तो हुण आपां सारयां नूं यही बेनती करते हाँ कि 27 करोड़ बहुत वड्डी चीज़ आ, जदों मैनूं आस उम्मीद मिल गई है कि मेरा बच्चा ठीक हो सकता है तो मैं पैसा करके अपने बच्चे का इलाज बंद नहीं करवाना चाहती। तो सारयां नूं हाथ जोड़ के बेनती करती हाँ कि जिन्ना हो सके वध तो वध मैनूं सपोर्ट करन ते मेरे बच्चे लई फंड इकट्ठा करन च मेरी हैल्प करन। तो मैं इंपैक्ट गुरु ते इहदा एक अकाउंट बनाया जिहड़ा क्राउड फंडिंग लई हुंदा आ, उहदे विच सारे इहदे डिटेल्स इहदा नाम इहदा अकाउंट सब कुछ मैनशन है, इहदे डॉक्यूमेंट्स इहदी कित्थे जाना आ, किन्ने दा इंजैक्शन है, किहड़ा है, सब कुछ उच सब कुछ दस्या गया है। तो हाथ जोड़ के बेनती है जिन्ना हो सके वध तो वध इस वीडियो नूं शेयर भी करो, लोगों नूं दसो, तो जिन्ना हो सके इहदे बारे दस के मेरा फंड जिन्ना छेती हो सके क्योंकि मेरे कोल टाइम बहुत घट आ, तो मैं अपना बच्चे का ट्रीटमेंट जिन्ना हो सके छेती तैयार कराना चाहनी हाँ। मेरा नाम सुखदा हीरा सिंह, पहलों तो सब तो पहलों तो मैं मीडिया का आई का स्वागत करदा, सत श्री अकाल। मेरे पोतरे नूं कोई 4 साल तो नामराद बीमारी जो कि DMD का बीमारी दसी गई है, और मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने ये बारे बहुत ही अपने बच्चे बारे भजन तौड़ की है। आर्मी के बेस हॉस्पिटल एम्स के इलाज करवाया और इलाज सक्सेसफुल नहीं है, उन्होंने ये दसिया भी यदा इलाज जरा अमेरिका दे विच है, अमेरिका दे विच इलाज होने कारण उन्होंने यदा बजट सानू कोई कम से कम 3.2 मिलियन $ विद डाकूमेंट्स दे नाल सानू दसिया, क्योंकि इस बच्चे का डाकूमेंट सारे एम्स ने बने हुए है, और उहदा कोई इंडियन करंसी दे विच लगभग कोई 27 करोड़ रुपया जो कि साढ़े बजट तो बाहर है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਔਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਤੋਂ ਔਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਫੰਡਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि मेरे पोते वास्ते वध तो वध पैसा देन तां कि मेरे बच्चे की जिंदगी बच सके। इनर व्हील क्लब जालंधर इडिट की पूर्व अध्यक्ष स्टेट अवार्डी और गवर्नर अवार्डी रेशम कौर के प्रशंसनीय यत्नों से ज़रूरतमंद लड़कियों और महिलाओं को सिलाई मशीनें और साइकिल दिए गए। तो वहीं इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए एनआरआई राममूर्ति सरोय और सत्यावती सरोय की ओर से विशेष योगदान दिया गया। इस प्रोजेक्ट में सरोय परिवार की ओर से 11 साइकिल, 6 मशीनें और 25 सिलाई किटें भी दी गई। तो वहीं इस दौरान आए हुए मेहमानों को दुशाला, फुलकारी व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर तरसीम लाल ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सरवन सिंह, रवि दारा, रेखा दीदी, पूर्णिमा, कमला देवी, संतोष सैनी, परमजीत कौर, आशा अनुप्रिया, राजकुमारी, कमलजीत कौर, नमिता सहित अन्य सदस्यगण भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मेरा नाम राम सरोय एंड मेरी वाइफ ने सत्यावती सरोय। ये असी अपने बड़े खुशी के नाल बच्चों सहयोग दिते हैं तो अभी अगे तो भी मेरे मिशन के अपने इस तरह भी ये अगे तो साड़ी सेवा लाने को अभी करते हैं। मैं रेशम कौर, स्टेट अवार्डी, गवर्नर अवार्डी, पास्ट प्रेजिडेंट इनर वी क्लब जलंधर एलीट। अज असी प्रोजेक्ट जिहड़ा आ साडे वास्ते बहुत ही वड्डा प्रोजेक्ट है जो असी NRI फ्रॉम USA श्री राममूर्ति जी सरोए ते श्रीमती सत्यावती जी सरोए USA तो उन्हां कोलों असी सहयोग लै के अज असी 11 साइकिल ते 6 सिलाई मशीनां उन्हां लोगों नूं दित्तियां हैगियां जिहड़े के उन्हां लोगों नूं असीं ये समान दिता हैगा जिहड़े कि लोड़वंद सीगे। उन्हां दीआं घरां दीआं प्रॉब्लम साडे कोल कई इदां दे बच्चे भी हैगे जिन्हां दे फादर साहब नहीं हैगे, कईआं दे हैगे आ वह मजदूरी करदे आ पर वह अपने जिदा बच्चे स्कूल जाण विच उन्हां नूं मुश्किल बड़ी आउंदी सीगी, लेट हो जांदे सीगे, स्कूल गिआं नूं टीचर भी डांटदे सीगे ते साडे तक उन्हां ने बेनती कह लो भी की सी कि सानू मैडम लोड़ हैगी है तो सानू साइकिल चाहिए आ। सो फिर असी मिस्टर सरोआ जी तो मिसी सरोआ जी इन्हों बेनती की कि सानू ना साइकिल चाहिए जे तुसी लैके दे सकते हैं। सो साड़ी एक बेनती तो ही इन्होंने 75,000 रुपया जिहड़ा आ वह सानू भेज दिता। असी उन्हां दे विच्चों ही हुण जिहड़े आ साइकिल लए आ ते सिलाई मशीनां लईआं आ ते जिहड़े साडे कोल बाकी पैसे आ वह असी जिहड़ा साडा सिलाई सेंटर चलदा गुराया उन्हां नूं सिलाई किट लैके दवांगे जी। सो थैंक यू वेरी मच सरोआ फैमिली का सारिआं दा ही जिहड़ा बच्चा ने आ बच्चों नूं भी बेनती है कि हुण तुसीं अपना जिहड़ा स्कूल जाणा आ वह टाइम सिर जायो। कोई बच्चा इदा ना कहे कि असी स्कूले लेट हो गए हाँ सानू टीचर ने डांटिया हैगा आ। बाकी जिन्होंने असी मशीन दित्तियां आ उन्होंने भैणों भी मेरी बेनती है कि वह हुण मशीन के नाल कपड़े सीन ते अपने परिवार की जिहड़ी आ माली आ आर्थिक हालत है उन्होंने सही करन ते अपने पूरे परिवार को सहयोग करन। सो मैं अपने वालों अपने इनर वी क्लब जलंधर एलीट वालों बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ सरोआ फैमिली का जी। थैंक यू वेरी मच। शिरोमणि कमेटी की ओर से प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व संबंधी गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान में होने वाले समागमों में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पासपोर्ट और वीज़े दिए गए। इस बार पाकिस्तानी दूतावास की ओर से 10 दिनों का वीज़ा सिख श्रद्धालुओं को दिया गया। ये श्रद्धालु अटारी वाघा सीमा के माध्यम से 14 नवंबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रोमणी कमेटी के सचिव कुलवंत सिंह मन्नन ने बताया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सिख श्रद्धालुओं का जत्था 14 नवंबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। इस संबंधी श्रोमणी कमेटी के पास 2,244 वीज़े पहुँचे थे जो कि पाकिस्तान दूतावास के पास भेजे गए थे, जिनमें से 1,481 सिख श्रद्धालुओं के वीज़े काटे गए और 763 वीज़ों को इस बार श्रद्धालुओं को गुरु धाम के दर्शनों के लिए वीज़े मिले हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 80 ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਖਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿਛੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਆਏ ਗਏ ਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਕਦਮ ਹੋਣੇ ਆ। 5 ਕਦਮ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਤਕੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ। ਕਿੰਨੀ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵਾਰ? ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹਜਾਤਪੁਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਲਾਈ, ਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2100 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 700 ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਨਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 3000 ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਸ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ, ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਿਕਾਲਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਸੇ ਉਨਕੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਅਬਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਵਰਸ਼ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਨਵਾਨਾ ਅਨਿਵਾਰਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉਮਰ ਮੇ आकर अगर वो अपना इलाज करवाने में असमर्थ है तो उसको इलाज करवाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसी कड़ी के तहत आज जालंधर भाजपा की आईटी सेल की अध्यक्ष दीपाली बागड़िया तथा उनकी टीम द्वारा सिल्वर पाम अपार्टमेंट जालंधर कुंज में एक विशेष कैंप लगाया गया, जहाँ इलाके में रहने वाले बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कैंप में आए लोगों ने केंद्र सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए भाजपा सरकार कहा कि भाजपा सरकार ही जनता की हितैषी है। इस अवसर पर उनके साथ राजेश अग्रवाल, HKL शर्मा, RS वालिया भी उपस्थित रहे। नमस्कार जी, आज भारतीय जनता पार्टी वालों जलंधर कुंज दे विच आयुष्मान कार्ड का कैंप जिहड़ा 70+ रेगुलर साडे कैंप भारतीय जनता पार्टी वालों चल रहे हैं, अज जलंधर कुंज दे विच कैंप लगाया गया। यह कैंप हरकृष्ण लाल शर्मा जी, रजनीकांत हांडा जी, राजेश अग्रवाल जी वालों बहुत उत्साह नाल लगाया गया, और काफ़ी इतने 70+ जोड़े लोग है कार्ड आके बना रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ किसी वहम भ्रमच ना पवो, सबू यही बेनती है फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड बन रहे हैं आयुष्मान कार्ड, और 5 लाख का बीमा ये फ्री है, तुम किसी भी हॉस्पिटल जाके इलाज करवा सकते हो। और प्रधानमंत्री मोदी जी वालों सबू निवेदन है कि अपना आयुष्मान कार्ड का 70+ कार्ड बना के यदा लाभ उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सारी जी टीम का जलंधर कुंज जिनी भी टीम है सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो अगे आए हैं इन्होंने इतने कैंप लगवाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी। श्री श्याम परिवार की ओर से श्री श्याम बाबा खाटूवाली जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य संकीर्तन का आयोजन राम मंदिर सूर्य एनक्लेव जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें भजन गायक पवन पुरी एंड पार्टी ने श्री श्याम बाबा जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस दौरान श्री श्याम बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों के भोग लगाए गए। इस अवसर पर
दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विच और श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें श्री श्याम परिवार की ओर से विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पवन कुमार, पुनीत गुप्ता, अतुल गुप्ता, ललित मित्तल, मोहन गोयल, पंकज अजमेरा, भगवान स्वामी, गोपाल मालपानी, अरुण बांसल, संजीव अग्रवाल, अनिल खन्ना, उमेश मेहता, राजेश काका, निखिल अग्रवाल, अजय कपूर, समरदीप, मुनीश बल्ला, पवन कोचर सहित असंख्य प्रभुभक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
रब न चलाता हूँ पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया एवं पंच प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अनूपनगर जालंधर से ही निकाला गया, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुए। इस अवसर पर यादविंदर सिंह कमलजीत सिंह परिवार की ओर से पुष्प वर्षा कर व लंगर लगाकर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया और सभी देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर मुख्य सेवादार गुरदेव सिंह देवी, बलबीर सिंह, राममूर्ति, धर्म सिंह, बलकार सिंह, जसबीर सिंह, गुरनाम सिंह, सुरेंद्र कौर, कुलबीर कौर, कुलबीर सिंह, सुनीता देवी, दिलीप सिंह, रवि कुमार, रजेंद्र कुमार, अश्विनी कुमार सहित असंख्य संगत भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े इस नगर कीर्तन से आप सब संगत का स्वागत है जी। सारिया संगत जिया और सारे बहुत ही धन धन। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के निमित्त अज नगर कीर्तन जिंदा स्वागत यादविंदर सिंह कमलजीत सिंह समूह परिवार ने किया है। समूह संगत का लख लख धन्यवाद। आप वाहेगुरु सच्चे पातशाह अपनी कृपा सब ते बनाई रखा। वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव पर भव्य भजन संध्या का आयोजन मेहंदी रत्ता परिवार द्वारा अपने निवास स्थान पर किया गया, जिसमें मीनाक्षी घई द्वारा आई हुई संगत को अपने भजनों से निहाल कर खाटू श्याम जी की मस्ती में झूमने पर विवश कर दिया गया। सबसे पर विशेष पारिवारिक रूप में श्री देवी ताला मंदिर के प्रधान शीतल विच शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि मेहंदी रत्ता परिवार हर वर्ष बाबा जी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से उत्सव के रूप में करवाते हैं और वे हर वर्ष बाबा जी का आशीर्वाद देने उनके निवास स्थान पर आते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा जी का कृपा समस्त विश्व पर बनी रहे, तो वहीं परिवार में भीमसेन मेहंदी रत्ता, अनु मेहंदी रत्ता,
निशांत मेहंदी रत्ता, दिव्या मेहंदी रत्ता, बब्बू मेहंदी रत्ता, पंकज मल्होत्रा, साहिल गुप्ता, कुणाल सिक्का, जोगिंदर सिक्का, विशाल मल्होत्रा, राजू मेहंदी रत्ता, जितेंद्र मेहंदी रत्ता, संजय सिक्का ने शीतल विज को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस भजन संध्या में जय ज्वाला सभा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन विजय बब्बर, उप चेयरमैन कुमार जी, प्रधान पवन कुमार, सेक्रेटरी सौरभ दुगा, अशोक कुमार, राकेश अरोड़ा, सचिन बब्बर, सोनू अरोड़ा, साहिल दुगर, राजू चावला, शुभम अरोड़ा, पंकज मल्होत्रा, रोहित खेड़ा सहित अन्य भक्तजनों ने भी श्री खाटू श्याम बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ले गोरी लाल
देखना होगा और मैं क्या से क्या हो गया। आपकी नजर जो मुझ पर पड़ी, आपकी एक नजर जो मुझ पर पड़ी, तो ये खोटा सिक्का भी खरा हो गया। आपका देखना होगा, आपका देखना हो गया, आपका देखना हो गया। परिवार जनों, मैं बहुत बधाई देना इतना अच्छा संगीत, इतनी अच्छी भजन, सारे बहुत आनंद आ रहा है। मैं ज्यादा तो नहीं कहता पर महारानी अगर अरदास करना सिंगल कर, सिंगल गलत रखे महारानी सिंगल, और इस परिवार ने जिन्होंने इस अज भजन संध्या का आयोजन करवाया उन्होंने मनोकामना भी पूर्ण हो गया और सबन चढ़ती गलत रखे। और इन्होंने सिर से श्याम बाबा जी अपना मेहर प्रयात रखन। एक बार फिर सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई और इन्नी सुरीली आवाज ना इन्ने भजन च मस्त हो मैं इन्हों सारा इन्होंने बीच ज्यादा रुकावट नहीं बनना चाहता। मैं सारे बहुत बहुत बधाई देना। जय श्री श्याम, जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लाजपत नगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन जालंधर की ओर से भव्य लंगर का आयोजन लाजपत नगर मार्केट में किया गया। इस लंगर का शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज एवं पूर्व पार्षद सुनीता रिंकू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से श्री विज को सिरोपद साहिब देकर सम्मानित किया गया और सभी देशवासियों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं भी दी गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष, विकास सचिव सत्येंद्र सिंह, अरुण कालिया, भूपेंद्र सिंह, राजेश अग्रवाल, संजीव पुरी, कुलमिंदर सिंह, सुमित चोपड़ा सहित सभी सदस्यगण शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौशिया की रिपोर्ट। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व को समर्पित श्री अकाल तख्त साहिब जी की ओर से करवाई जा रही इंटरफेथ ग्लोबल समिट में अलग अलग धर्मों के मुख्य नेता सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सभी ने गुरु घर में माथा टेक सरबत की भरे की अरदास की। इस अवसर पर तख्त दमदमा साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह सहित लिंग रिंग पहुंचे बोधि धर्मगुरु धर्मशाला से उमेर अहमद इलियासी, भारत के मुख्य इमाम स्वामी चितानंद सरस्वती जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश आचार्य, लोकेश मुनि जैन जैन प्रमुख, योकोव नैगिन यहूदी नेता इसराइल, ब्रह्म कुमारी सिस्टर हुसैन और ईसाई नेता डॉक्टर हरमन नोबर्ट अपने साथियों से श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। इस ऐतिहासिक मौके पर दुनिया को एकता का संदेश देने के लिए कहा गया। इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न धर्मों के प्रमुखों द्वारा संदेश दिया गया कि धर्म एकता सिखाता है, अलगाव नहीं। युद्ध, हिंसा और आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है। भारत और पूरी दुनिया से शांति के लिए आगे आने की अपील भी की गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जलंधर के कोल
एक स्थान है उत्थे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस जी है वह हो रही है उहदे विच सारे धर्मां दे जिहड़े ने प्रतिनिधित्व करन वाले जिहड़े धर्म आगू जिहड़े ने वह बुलाए गए ने उहदे विच हिंदू धर्म के स्वामी चेतानंद जी उन्हां दी रात फ्लाइट जिहड़ी है वह अमृतसर तो वापस चली गई है वह आ रहे ने ते इस तरह जैन मुनि इस तरह ही इस्लाम दे जिहड़े प्रतिनिधित्व करते ने शाही इमाम और ब्रह्मा कुमारियां वालों जी और यहूदी धर्म वालों इजराइल तो आए ने और ईसाई धर्म तो आए ने ये उत्थे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस दे विच जिहड़ा वो शामिल होने वास्ते पहुँचे ने और इन्हां नूं असीं बेनती की है कि तुसीं सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन जिहड़े है जरूर करो क्योंकि असीं ये दसना चाहते हैं कि ये सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिहड़ा है ये सभनां दा सांझा स्थान है और इत्थों मानवता का उपदेश जिहड़ा है वो दिता जाता है और असी अमन दे पुजारी हाँ असी शांति दे पुजारी हाँ मंदरां या मस्जिदां दे उत्ते हमले करने साडी विरासत नहीं है और असी ये दसण वास्ते अज इन्हां नूं इत्थे लैके आए हैं कि असी किसे किस्म दी जिहड़ी है उपद्रव या हुल्लड़बाजी दे विच असी यकीन नहीं करते असी भी जिहड़ा है शांति दा पाठ सानू गुरबाणी ने पढ़ाया सानू सिख गुरु साहिबान ने सानू एक विरासत दित्ती है और वह विरासत जिहड़ी है किसी भी धर्म के लोगों के उत्ते किसी धर्म के धार्मिक स्थानों के उत्ते हमला करना जिहड़ा है वह नहीं सिखाउंदी साडे खिलाफ़ एक बिरतांत सिरजा जा रहा है इंटरनेशनल लैवल के उत्ते और असी उस बिरतांत के जिहड़ा खिलाफ़ है और इन्हां दा असी साथ चाहुंदे हां कि जो साडे खिलाफ़ बिरतांत सिरजा जा रहा है तो उहदे विच सारे धर्म जिहड़े ने धर्म के आगू जिहड़े ने साडी बिल्कुल साडी जिहड़ी है बिल्कुल सहायता जिहड़ी है वह तुसीं साडी आवाज़ जिहड़ी है उहनूं होर बुलंद करो असी इस मकसद लई अज इन्हां नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन कराए ने और इत्थों दीआं परंपरावां मर्यादावां इत्थों के जिहड़े इतिहास इत्थों की विरासत उन्हां बारे इन्हां नूं जानकारी दित्ती है और मैं इन्हां सारिआं दा जिहड़ा दिल दीआं गहराइआं दे विच्चों शुक्रिया अदा करदा धन्नवाद करदा कि एक निक्के जिहे सद्दे दे उत्ते आए बुलंदपुर ने लेकिन निक्के जिहे सद्दे दे उत्ते अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन करन वास्ते आए ने और असीं इन्हां नूं बुलाया कि आके देखो कि असी इत्थे किस तरह का साडा फलसफा है किस तरह की साडी विचारधारा है और ये मनुखवादी विचारधारा है मानववादी विचारधारा है इत्थे भेद करना नहीं सिखाया जाता इत्थे वखवाद नहीं सिखाया जाता और इन्होंने आके ये साडियां परंपरावां साडे इतिहास में समझे है मैं दिल दीआं गहराइयां च उन्हां दा शुक्रिया अदा करदा हां। सिख समाज और क्रिश्चियन ईसाई समाज एक साथ मिलकर इस बात को पुख्ता करते हैं कि हम हमारे देश को हमारे समाज को शांति एकता और सद्भाव की राहों पर आगे ले चलेंगे क्योंकि ईसा मसीह ने इस बात को कई बार कहा है कि हम जो रूढ़िवादिता है जो अंधविश्वास है जो उसको दूर करना है और जो हमारे समाज में हाशिए पर हैं जो गरीब हैं उनकी सेवा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए पूरी मानवता को शांति का संदेश देने के लिए जिस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा हो जिस समय इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा हो ऐसे समय में अकाल तख्त ने एक बहुत बड़ी पहल की है और आज ग्लोबल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की पूर्व संध्या में आयोजित होने जा रहा है और विश्व भर से सभी धर्मों के धर्मगुरु जिसमें हमारे अकाल तख्त के सुप्रीम हेड हमारे साथ हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध यहूदी सभी धर्मों के धर्मगुरु एक मंच पर आए हैं और उनका एक ही कहना है युद्ध हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। मेरा नाम हुसैन बहन है और हम ब्रह्मा कुमारीज में यही बिलीव करते हैं कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं और गुरु नानक साहब जी ने वो पहले इंटरफेथ लीडर हैं जिन्होंने सब धर्मों को जोड़ा है और आज अगर हम विश्व को देखते हैं तो विश्व में भाई भाई की दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको अपना भाई नहीं समझूंगी तो मैं जंग कैसे रोक सकती हूँ। अगर हम एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे हर एक को अपना मानेंगे हर एक मेरा है और हम उसके हैं तभी इस दुनिया में हम शांति और अमन को ला सकते हैं। Rabbi Yaakov from Jerusalem, Jewish, and it was great joy to come to Hermandor Sahib. This is the way the world should be. This is the way the world could be. All of us together, all of humanity, with love, together, with respect. And what brings us together? Our belief in God.
And the teachings of Guru Nanak and the Guru Granth Sahib teaches us about we are united in one God, and this and He is the love of God for all of us. Wonderful. If God loves all of us, we must love each other, as in the teachings of the Guru Granth Sahib and all of our faith. Wonderful. Wonderful. Great. It's the place, the most important place of Sikh, especially on the 555th birthday of Guru Nanak. All the major religious traditions from the world, the leaders have come here, and we want to be united to bring about peace in this world. And especially India is the best example in the world where all major religious traditions exist but live harmoniously and tolerantly. So India can show a big example for the whole world, and I wish you all the very best. Thank you very much. हमारे यहूद में आज अकाल तख्त से एक संदेश ये दे रहा हूँ, सब मिलके दे रहे हैं कि भारत को अब जितने जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं, अब भारत को लीड लेना चाहिए और भारत को मध्यस्थता करके आज पूरी दुनिया में जहाँ भी विश्व में ये युद्ध हो रहे हैं उनको फौरी तौर पर रोका जाए और सब मिलकर अमन से शांति से मिलकर रहें। इसी पैगाम को देने के लिए आज यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारे जथेदार जी का, जिन्होंने हमें यहाँ सबको बुलाया और सब इकट्ठे होकर सारे धर्म के लोग मिलकर एक शांति का एक संदेश दिया है। इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। सिद्ध शक्तिपीठ माँ अन्नपूर्णा मंदिर को किशन चंद में आमला पूजन का वार्षिक कार्तिक मेला चल रहा है। ये मेला 15 नवंबर तक चलेगा। मेले के दौरान अन्नपूर्णा मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। सबसे पहले कंचन शर्मा एवं अनिल शर्मा ठाकुर जी को फूलों से सजे सुंदर रथ में विराजित कर बारात लेकर विकासपुरी से चले। तृप्ति बजाज एवं रोहित बजाज के साथ अन्नपूर्णा मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बारात का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया, जिसके बाद माता तुलसी और ठाकुर जी को जयमाल पहनाई गई। इसके पश्चात मिलनी का कार्यक्रम हुआ। पंडित विष्णु प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत विवाह के सभी रीति रिवाज पूरा करवाए। विधायक बाबा हंडी, विधायक रमन अरोड़ा, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व पार्षद पति कुलदीप भुल्लर, सतीश धीर, कांग्रेसी नेता बंटी अरोड़ा, रज्जू शर्मा, भूषण कोहली व रमन शर्मा विशेष रूप से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर में पधारी। मंदिर कमेटी ने माता की चुनरी ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। शाम को माता तुलसी की डोली को बैंड बाजों के साथ विदा किया गया। चल रहे मेले के पांचवें दिन सुनीता टंडन एंड पार्टी ने प्रभु का गुणगान किया। सारा दिन भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान डॉक्टर अनिल ज्योति, प्रवीण महाजन, विपन उपल, राजेश शर्मा, डॉक्टर राजेश ज्योति, रणजीत सिंह, प्यारे लाल, प्रदीप कुमार, देवेंद्र कुमार, निमिष, मयंक, वेदांत, गोलू, अनिकेत, गणेश, शिवम कनौजिया, ध्रुव, पंडित राकेश, राकेश बारी, नरेंद्रपुरी, राजेश नोना, राघव ज्योति, राजेंद्र ज्योति, अश्विनी हांडा, लकी, कपिला, हितेंद्र कपूर, गोपाल कृष्ण सोनी और महिला संकीर्तन मंडल की सदस्याएं भी उपस्थित रहीं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
जय मां अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा मंदिर कोट किशनगढ़ में आंवला पूजन का मेला चल रहा है। यह मेला 8 तरीक को शुरू है। अज 12 तरीक को प्रबोधनी एकादशी वाले दिन तुलसी माता का शालीग्राम जी के नाल मंदिर प्रांगण के विवाह होने जा रहा है। श्री अनिल शर्मा जी और रंजन शर्मा जी बारात लैके विकासपुरी को पहुँच रहे हैं और मंदिर कमेटी के नाल श्रीमती कृति बजाज जी और रोहित बजाज जी बारात का स्वागत कर रहे हैं। अज बहुत ही खुशियां वाला दिन है, भागा वाला दिन है कि सानू सारिया अवसर मिलया है कि भगवान के स्वरूप का दर्शन करिए और भगवान का गुणगान करिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। अज का बड़ा ही पवित्र दिन, ये बड़ी एकादशी देव उठानी एकादशी है। भगवान विष्णु अज जाग चुके हैं, अज उन्हों का विवाह हो जा रहा है तुलसी माता दे नाल और ये बहुत शुभ दिहाड़े ने। मैं सारिया आमंत्रित भी करता मंदिर के विच और बहुत बहुत बधाई भी देता। जय मां अन्नपूर्णा। अज का पवित्र दिन बहुत ही ज़्यादा अपने आप के महान पवित्र और फलदायी है। आंवला पूजन के सत्कार के नाल नाल अज तुलसी विवाह का आयोजन है। साढ़े मंदिर के विच जो कि एक शक्तिपीठ है, मां का मंदिर है, इस दे विच बहुत फल जड़ा है बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। मैं आए हुए अच्छे परिवार के दोनों परिवारों शर्मा परिवार और बजाज परिवार को अपने वालों अपनी मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों अपने सारे साथियों वालों मंदिर की महिला संकीर्तन कमेटी वालों बहुत बहुत बधाई दिना। इस पवित्र राशन के हर साल बार इस साल कमेटी मैंबर साहबान वालों साढ़े परिवारों वालों साढ़िया मावं वालों बहुत ही प्राचीन जी परंपरा लगातार 16 हज़ार साल चली आ रही आंवला पूजन के अज के इस विवाह समागम के असी सारे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अज समुची बरात लैके बोले शंकर जी ने अज इतने उन्होंने प्रस्थान किया है। नमस्कार दोस्तों, अज बहुत खुशी का दिन है। अज माँ तुलसी जी के विवाह का शुभ अवसर है और असी सारे अपने परिवार समेत अन्नपूर्णा मंदिर पहुँचे हाँ। हर साल की तरह इस साल भी माँ का शुभ विवाह कान्हा जी के नाल किया गया और इस शुभ अवसर पर अज सानू बहुत अच्छा एक परमेश्वर वालों आदेश होया सी, कुड़ी का कन्यादान साढ़े हथों होया। असी इस शुभ दिहाड़े पर सारे जलंधर वासियों सारे नगर वासियों बहुत बहुत मुबारकबाद दें। धन्यवाद। और बोलना जयकारा अन्नपूर्णा माता जी का बोल साचे दरबार की जय। इतने नतमस्तक होने वास्ते आई है महाराणी के चरणों में बेनती करते कि जी संगत जिस भावना के नाल माँ के दर्शन करना आई है भावना सारिया की मुरादा मुड़िया करे। जयकारा अन्नपूर्णा मैया जी का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा तुलसा मां जी का बोल साचे दरबार की जय। सारी संगत को जय मां जय। काशी के उत्ते इतने जिले के दर्शन कर आए हैं, बड़ा मन खुश होया दरबार समेत आए हैं और माता राम के पितुआ के नाम मेला इन्ना भरया होया। सारे जय माता जय अन्नपूर्णा देवी जी हो रही है। अन्नपूर्णा देवी सारिया के घर प्रचरा पाए हर साल जय माता। स्थित शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर गायक विजय गौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी कोमल, वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सवरिया, चंद्र कनिया डोडी, राजेश शर्मा और मीनाक्षी शर्मा ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
प्राचीन सती वृंदा देवी मंदिर कोट किशन चंद में चल रहे तुलसी आमला पूजन उत्सव के पांचवें दिन तुलसी विवाह का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इससे पहले रेणु सोंधी एवं हरिपाल सोंधी, निहारिका सोंधी, हितेश सोंधी व निकुंज सोंधी बारात लेकर कोट किशन चंद से चलकर सती वृंदा देवी मंदिर में बैंड बाजों के साथ मंदिर पहुंची, जहां लड़की पक्ष से कामना शर्मा, शिवतंत्र शर्मा, सुलेखा शर्मा, हरिदीप शर्मा निवासी इस्लामगंज परिवार द्वारा तथा सती वृंदा देवी मंदिर कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं ढोल की थाप पर दोनों परिवार खूब नाचती हुई नजर आए। ट्रस्ट की ओर से बारातियों के स्वागत के साथ उनके खान पान का भी उचित प्रबंध किया गया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, राजू शर्मा, भूषण कोहली, अरुण वर्मा, दमन मेहता, सुनील अरोड़ा, शिवतंत्र शर्मा व अश्विनी हांडा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर दोनों परिवारों को बधाई दी। इस दौरान गायिका वंदना शर्मा एंड पार्टी तथा मंदिर की संकीर्तन मंडली की ज्योति सोंधी, तरुणा शर्मा, रेनू सोंधी, कनिका सोंधी, मोनिका बजाज, भूमिका सोंधी, निहारिका सोंधी, शशि सरीन व वंदना शर्मा ने देर शाम तक ठाकुर जी व माँ तुलसी जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया। मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलराम कपूर, सभापति हरिपाल सोंधी, संयुक्त सचिव व कोषाध्यक्ष महेश कालिया, वरिष्ठ उप प्रधान गुलशन शर्मा, उप प्रधान जीवन शर्मा, सह कोषाध्यक्ष ललित मित्तल, प्रिंस सोंधी, नरेंद्र शर्मा, टीनू सोंधी, संदीप मल्होत्रा, सुखबीर खन्ना, बबलू विनोद सोंधी व सुशील सोंधी ने तुलसी विवाह में सभी आए हुए गणमान्यों को सम्मानित किया, जिसके बाद प्रसाद के रूप में लंगर भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कीर्तन मंदिर सैता गेट जालंधर में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। देव उठैनी एकादशी पर मंदिर परिसर में स्त्री सत्संग सभा द्वारा संकीर्तन किया गया। इस अवसर पर पंडित आदित्य प्रकाश शुक्ला द्वारा तुलसी और शालिग्राम जी की विधिवत पूजा अर्चना कर विवाह संपन्न करवाया गया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में विजय इंदु शर्मा, केवल कृष्ण और रीटा शामिल हुए, जबकि राजकुमार शर्मा, सुमेशानंद, राकेश अरोड़ा, राहुल गंभीर ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर पंडित प्यारे लाल, गीता, मोना, दिव्या, सुमन, मोनिका, रेखा मेहरा, आशा, नीरू, कौशल्या सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
महीनों में कार्तिक मास शुभ तिथियों में एकादशी तो शुभ होती है। ये कार्तिक के महीने में देव उत्थैनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज के दिन देवता जागते हैं। इस एकादशी को भगवान नारायण अपनी सुप्ता अवस्था से जागृति अवस्था में आते हैं। नारायण और वृंदा जी का विवाह शालिग्राम और तुलसी के रूप में मनाया जाता है। तो आज तुलसी विवाह का दिन था। तुलसी जी के माता पिता केवल कृष्ण और श्रीमती रीता बनी और नारायण जी के माता पिता हमारे विजय कुमार शर्मा जी और इंदु शर्मा जी बने। मंदिर की सारी प्रबंधक कमेटी, मंदिर की सारी संगत इस बारात के साथ शामिल हुई। कन्या पक्ष और वर पक्ष के साथ सनातन रीत रिवाज के मुताबिक विवाह कार्य संपन्न हुआ। मैं अपनी तरफ से, प्रबंधक कमेटी की तरफ से, सारी संगत का, आए हुए सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही शुभ कर्म करते रहें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म के विषय में ज्ञान होता रहे, सनातन धर्म का प्रचार होता रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बोलो तुलसी मैया की जय। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर के मान सिटी सेंटर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, कार की चपेट में आने से 3 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। लगभग 4 वर्षीय बच्ची को पिता झुलसी हालत में छोड़ गया दरबार साहिब। बेसहारों का आसरा वेलफेयर सोसाइटी ने बच्ची को दिया सहारा। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की शब्दावली पर उठाए सवाल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए।